equation of straight line, equations of straight line in complex plane, equations of straight lines in complex plane. Equations of straight lines in complex or argand plane. First देखें किसे समझते हैं. ऐसे लिख लीजिए, equation of straight line passing through two points A Z1 and B Z2. Although हमारे पास एक तरीका तो है ही है कि हम x को z plus z conjugate by 2 से replace करें और y को z minus z conjugate by 2i से, और coordinate की equations हैं वो इसमें change कर दें. लेकिन मैंने आपको बताया it is much more simple convention, तो इसके बारे में भी हमें ढंग से सीखना है. ढंग से देखना, अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है या कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी इक्वेशन निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है, लाइन पे लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट का लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन केस, तो लाइन पे लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, समझ गए ना, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, या फिर लाइन पे लाई करने वाले किसी जनरल पॉइंट के कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो जेड और जेड कंजुगेट में रिलेशन निकालना है. ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना. इफ वी वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू, इट मींस आवर टारगेट इज क्लियर कट. वो क्या है, वी वांट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एनी जनरल पॉइंट पी लाइंग ऑन अ लाइन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर और लिख लो यार, इफ वी वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू, इफ वी वांट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू, इंप्लाइज वी वांट द जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, either we want the general complex number lying on line in terms of parameter. ठीक है, और we want the relation between z and z conjugate. We want the relation between z and z conjugate for any point lying, for any point z lying on line. देखिए जरा, वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज नहीं करूंगा मैं, इलेवंथ में भी है सिलेबस में. ढंग से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो पी जेड है, तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन में ही बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज जस्ट लाइक अ पोजिशन वेक्टर, समझ गए ना. तो पी ए जो वेक्टर होगा, इट इज वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ये ए बी वेक्टर के या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा हर पॉइंट पी के लिए. पी कहीं भी लाई करे, हर पॉइंट पी के लिए या तो ये पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब पी यहां पे लाई करेगा तो भी ये पैरेलल है, यहां पे लाई करेगा तो भी एंटी पैरेलल हो गया. तो इनमें ओनली किसका अंतर है, मैग्नीट्यूड का. अगर हम इसमें लेमडा के लिए मल्टीप्लाई कर दें, तो लेमडा पॉजिटिव, लेमडा रियल पैरामीटर है, तो हर लेमडा के लिए कोई ना कोई पॉइंट पी जरूर ऑब्टेंड हो जाएगा. जब लेमडा जीरो टू वन में होगा तो यहां के पॉइंट ऑब्टेंड हो जाएंगे,
जब आगे होगा तो इधर के पॉइंट हो जाएंगे, जब नेगेटिव होगा तो इधर के पॉइंट आ जाएंगे। इस रिलेशन में कोई डाउट है? पीए वेक्टर फॉर ईच पोजिशन ऑफ पॉइंट पी लाइंग ऑन लाइन द रिलेशन पीए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वैक्टर इज वैलिड। लिख लो इधर, फॉर ईच पोजिशन ऑफ पॉइंट पी लाइंग ऑन लाइन, लाइंग ऑन लाइन द रिलेशन, द रिलेशन पी ए वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी वी वैक्टर इज वैलिड। नाउ कंसेंट्रेट हियर, अगर हमारे पास पी कैसा होगा, पी कैसा होगा पॉजिटिव और जीरो टू वन में होगा तो यहां के पॉइंट आ जाएंगे, इसी यहां के ग्रेटर देन वन होगा तो इधर के पॉइंट आ जाएंगे और निगेटिव होगा तो इधर के पॉइंट आ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो इक्वेशन हम ऑप्टेन कर चुके हैं, ढंग से कंसेंट्रेट करो। पी ए वैक्टर कितना आ जाएगा, जेड माइनस जेड वन, ये कितना आएगा लेमडा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन। कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर हम कैसे देख रहे हैं, जस्ट लाइक अ पोजिशन वैक्टर, समझ गए ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, हमारा टारगेट पूरा हो चुका है। जेड इक्वल टू क्या आ गया, जेड वन प्लस लेमडा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए जेड वन एंड बी जेड टू। नोट कर लो, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए जेड वन एंड बी जेड टू। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं, ढंग से लिखना। फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा यूनिक पॉइंट इज ऑब्टेंड, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा यूनिक पॉइंट इज ऑब्टेंड लाइंग ऑन लाइन, यूनिक पॉइंट इज ऑब्टेंड लाइंग ऑन लाइन। समझ गए? लेमडा की चार ही वैल्यू पॉसिबल है तो क्या होगा, चार पॉइंट आएंगे। लेमडा की दस वैल्यू पॉसिबल है तो दस पॉइंट आएंगे। लेमडा की वैल्यूज किसी इंटरवल में लाई कर रही हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन सेगमेंट। अगर लेमडा की वैल्यू जीरो से इन्फाइनेट तक जा रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रे। लेमडा की वैल्यू माइनस इन्फाइनेट से वन क्लोज तक आ रही है तो रे रिप्रेजेंट करेगा, और वन वाला पॉइंट भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सारी बातें इस स्टेटमेंट में आ जाती हैं कि फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा यूनिक पॉइंट इज ऑब्टेन लाइंग ऑन अ लाइन। इसको अंडरलाइन कर लो ढंग से, बहुत काम का है। तो जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, इट इज द इक्वेशन ऑफ, ये क्या है, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए जेड वन एंड बी जेड टू। समझ गए ना? और फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा यूनिक पॉइंट इज ऑब्टेन्ड लाइंग ऑन अ लाइन। इसको अंडरलाइन करिए, बहुत काम का है स्टेटमेंट। या आप ऐसे लिखी लीजिए, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन है। दो तीन स्टेटमेंट लिख लो तो याद तो भी रहेंगे बाद में। ये ए जेड वन है और बी क्या है, जेड टू है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ फोर रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल, इफ फोर रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर पॉसिबल
then by the above equation, then by the above equation, 4 points obtained lying on a line. 4 points obtained lying on a line. Second, if lambda is element of 0 close to infinite open, then above equation represent ray starting from A to infinite, and A is also included. Lambda ko 0 rakhenge to A aayega, kuch aur value likhenge to idhar ke point aana shuru ho jayenge. Samajh gaye na? Starting from A to infinite. लिख लिया. अगर लैम्डा मान लो ऐसा लिखा है, माइनस इनफाइनाइट टू, यहां पे ओपन लिख लेते हैं. ओपन क्या लिखा है? जीरो. तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? रे रिप्रेजेंट करेगा. अगेन इक्वेशन रिप्रेजेंट द रे स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू ए ओपन. ए नहीं आएगा क्योंकि जीरो पे ओपन है. समझ गए ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लो कभी ऐसा दिया हो, लैम्डा इज एलिमेंट ऑफ 3 क्लोज टू 7 ओपन, तो क्या आएगा? इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन सेगमेंट, वन एंड पॉइंट इंक्लूडेड एंड वन एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड. एक ये पॉइंट आ जाएगा कुछ लैम्डा इक्वल टू 3 रखने पे, एक 7 रखने पे आ जाएगा. ये ओपन आएगा, ये क्लोज आएगा. लिख लो. देन इक्वेशन रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट विद वन पॉइंट इंक्लूडेड, वन एंड पॉइंट इंक्लूडेड एंड वन एंड पॉइंट एक्सक्लूडेड. आ गया ना? तो अब समझ में ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो सबसे ये सारी बातें किसमें इंक्लूडेड है? दिस इक्वेशन गिव्स यूनिक पॉइंट फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा. गॉट इट? बात समझ में आ गई ना? अब ध्यान से देखना, इससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अपन. हमारे पास ए जेड वन और बी जेड टू, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन आ चुकी है. जेड माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन. अब मुझे ये बताइए, लैम्डा पैरामीटर ही सही, लेकिन है कैसा? कैसा है? अरे प्योरली रियल. लैम्डा इज प्योरली रियल. तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा? अरे उसका आर्गुमेंट कितना होगा? या तो जीरो या पाई. अगर वो नेगेटिव है तो पाई हो जाएगा, पॉजिटिव है तो जीरो. तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं? ये प्योरली रियल है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो और पाई. ये भी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ. ये दोनों स्टेप समझ में आने चाहिए, इससे ये स्टेप समझ में आना चाहिए, इससे ये स्टेप. बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब आर्गुमेंट या तो जीरो होगा या पाई होगा, और अगर आर्गुमेंट इसका जीरो और पाई है तो कैसा होगा? प्योरली रियल. तो ये भी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू. लिख लो ढंग से. समझ आया?
अब आगे समझो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका कंजुगेट किसके बराबर होता है? सेम, तो जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये भी क्या आ गई, ये इसके कंजुगेट के बराबर होगा। और कंजुगेट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू। समझ गए, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये कितना रहता है, डिटरमिनेंट की फॉर्म का होता है, जेड जेड कंजुगेट वन, जेड वन कंजुगेट वन, जेड टू कंजुगेट वन इक्वल टू जीरो। ये लिखा है या ये लिखा है, एक ही बात है। लिखा ये एक ही बात है, शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको, सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो या यहां तक के स्टेप थोड़े से रिवाइज कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। जेड इक्वल टू, ध्यान से देखिए, जेड वन प्लस लेमडा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए जेड वन एंड बी जेड टू, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा यूनिक पॉइंट इज ऑप्टेन। आप भी लिखते जाइए, समराइज कर लीजिए इतना। दूसरा, इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज जीरो और पाई, जब ये पॉजिटिव होगा आगे वाली रे तो जीरो और नेगेटिव होगा तो पाई। थर्ड वन, अगर ये प्योरली रियल है, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन प्योरली रियल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इसके कंजुगेट के बराबर होगा। समझ गए ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया, डिटरमिनेंट की इक्विवेलेंट होता है जेड, जेड कंजुगेट वन, जेड वन, जेड वन कंजुगेट वन, जेड टू कंजुगेट वन इक्वल टू जीरो। समझ गए ना, तो नाउ अब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं थर्ड वन पे। इतना समझ आया कि नहीं, ध्यान से देखना यार, अभी वेक्टर की हेल्प से गए थे, अब आर्गुमेंट की हेल्प से जाते हैं, ढंग से समझना, कंसंट्रेट करना यार। ये हमारे पास जेड वन है और ये क्या है, जेड टू है। मान लो जेड यहां पर है, ठीक है ना, तो मुझे ये बताइए कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन कितना आएगा? आप लोग परफेक्ट हैं, मॉड आएगा क्या आर्गुमेंट कहते, आर्गुमेंट में मॉड कहां से आ जाएगा, ये एंगल अल्फा आएगा कि नहीं आएगा आर्गुमेंट में, ये एंगल अल्फा आएगा, मतलब जेड माइनस जेड हम कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू कितना आएगा, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन मॉड ई रेस टू आई अल्फा, ये इधर ले आओ ये इधर ले जाओ वो तो मॉड है। अब मुझे ध्यान से देखना जरा, कंसंट्रेट करो, यहां पे ये अल्फा को कम करते जाओ, यहां पे आ जाएगा अल्फा, जब जीरो हो जाएगा तो अगर हम ये लिख देते हैं आर्गुमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो या तो जेड यहां लाई करेगा मैग्नीट्यूड कहीं भी हो इसी पे कहीं लाई करेगा, एंगल कम होते होते कितना हो गया जीरो। बात समझ में आ रही है कि नहीं, और अगर बढ़ाते जाएं तो अगर पाई कर दें तो इसका मतलब क्या है, यहां लाई करेगा यहां कहीं लाई कर जाएगा। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट की हेल्प से भी हमने ये अप्रोच कर लिया कि अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन कितना है, जीरो है या पाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो जेड इधर कहीं लाई करेगा या कहीं इधर कहीं लाई करेगा,
इसका मतलब इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग जेड वन एंड जेड टू। तो ये स्टेप पहले निकाला, अब इसके बाद दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन कैसा होगा, प्योरली रियल। ये आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जेड इक्वल टू जेड वन प्लस लैम्डा टाइम्स जेड टू माइनस जेड वन, या फिर जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट, मीन्स जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट अपॉन जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट। तो यहां रोटेशन की हेल्प से पहले अप्रोच किया फिर आगे गए, पहले वेक्टर की हेल्प से अप्रोच किया था फिर यहां तक आए थे। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, इतना समझ आया ढंग से। सिंपली हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, जेड माइनस जेड वन हमारे पास कितना आ गया था अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू क्या है, जेड कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट अपॉन जेड टू कंजुगेट माइनस जेड वन कंजुगेट। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा नोट लिखो, जैसे अगर हमारे पास ए क्या है जेड वन है समझ लो पहले, और बी क्या है जेड टू है, तो जेड टू माइनस जेड वन क्या रिप्रेजेंट करता है, रे ए बी। जेड टू माइनस जेड वन क्या रिप्रेजेंट करता है, रे ए बी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेंथ ए बी, एंड डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, लिख लो यार। इफ ए जेड वन एंड बी जेड टू, इफ ए जेड वन एंड बी जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ए एंड बी आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन जेड टू माइनस जेड वन, देन जेड टू माइनस जेड वन देन जेड टू माइनस जेड वन